अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा कंप्यूटर का लेक्चर है वो है कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़। ठीक हो गया। कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा नेटवर्क है जिसके ज़रिए हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं डिफरेंट मेथड से। यहाँ पे हम डिफरेंट मेथड यूज़ करेंगे, डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करेंगे डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। पहले आपको डिफ़ाइन कर दूँगा कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ क्या है। कटिंग एज टेक्नोलॉजी इज़ द मोस्ट एडवांस्ड डेवलपमेंट इन द कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी में कटिंग एज टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा एडवांस्ड डेवलपमेंट है। द फॉलोइंग आर फ्यू कटिंग एज टेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन। यहाँ पे जो हम कुछ आपको कटिंग एज टेक्नोलॉजीज बताएंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और जो बेसिकली यूज़ भी हो रही हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो फर्स्ट वन है, यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप हम इन्हें आगे फर्दरली डिस्कस करते जाएंगे, लेकिन फर्स्ट वन जो है वो है सेलुलर कम्युनिकेशन, जिसे हम ब्रीफली डिफाइन करेंगे अभी। तो पहले चलते हैं अपनी पहले टाइप की तरफ, पहले नेटवर्क की तरफ, वो है सेलुलर कम्युनिकेशन। सेलुलर कम्युनिकेशन इज़ अ रेडियो कम्युनिकेशन। आपने सुना होगा, पहले भी आपको पता होगा कि रेडियो के ज़रिए भी हम एक दूसरे से डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह शेयर कर सकते हैं। पहले वक्त में जब टीवी या मोबाइल फ़ोन या सोशल मीडिया वगैरह की अप्रोच नहीं थी, तो ये सब चीज़ें जो हमें एक दूसरे तक खबरें पहुंचानी होती थी या मुल्क के हालात मालूम करने थे या किसी भी तरीके से एक दूसरे तक इन्फॉर्मेशन पहुंचानी होती थी, वो सब कुछ हम सेलुलर कम्युनिकेशन में जो मेथड है हमारे पास रेडियो, इसके ज़रिए ही करते थे। इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ लैंड एरिया कॉल्ड सेल। ठीक है, ये ऑल ओवर द हमारा जो लैंड एरिया होता था उस पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता था। सेल इज़ सर्व्ड बाय एट लीस्ट वन फिक्स्ड लोकेशन ट्रांसरसीव नाउन एज सेल साइट और बेस स्टेशन। ये जो एक जगह होती थी जहाँ से ये नेटवर्क स्टार्ट होता था, यानी कि एक बेस स्टेशन रखा होता था जहाँ पर ये चीज़ मौजूद होती थी, यानी वो एक पूरा सैटेलाइट, एक पूरा पोर्शन बनाया होता था जिसे आप प्ले स्टेशन बोल सकते हैं, बेस स्टेशन बोल सकते हैं, सेल साइट बोल सकते हैं, जहाँ पर लोग मौजूद होते थे आपको न्यूज़ सुनाने के लिए और आपसे कम्युनिकेट करने के लिए। वी ज्वाइन टुगेदर दिस सेल प्रोवाइड कम्युनिकेशन कवरेज ओवर वाइड ज्योग्राफिक एरिया। एक वाइड एरिया होता था जहाँ तक आपकी वो ट्रांजेक्शन पहुँच सकती थी। ठीक हो गया। द सेलुलर कम्युनिकेशन सिस्टम ऑफर कम्युनिकेशन सर्विसेज टू थाउजेंड ऑफ सेलफोन यूजर्स। ये जो ऑफर है ये थाउजेंड ऑफ पर्सनस तक आपकी अप्रोच हो सकती थी। ये नहीं कि एक दो ही रेडियो स्टेशन तक ही इसकी अप्रोच है, थाउजेंड ऑफ सेलफोन, थाउजेंड ऑफ रेडियोज अप्रोच होती थी इनकी। ठीक है, ये एक टॉपिक आपका हो गया सेलुलर कम्युनिकेशन। फर्दर जो आपके पास टॉपिक है वो है सेटेलाइट कम्युनिकेशन। सेटेलाइट के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, सेटेलाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन। वो कम्युनिकेशन जो हम वायरलेसली करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड कनेक्ट होने के लिए, इन विच सेटेलाइट्स आर द मेन ऑब्जेक्ट्स। वो सेटेलाइट्स जो हमने खला में भेजे हुए हैं वो हमसे वायरलेसली कनेक्टेड हैं और हमें हमारे मुल्क से, हमारे दुनिया से अकॉर्डिंग जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो हमें प्रोवाइड करते हैं। इसमें किस तरह की इन्फॉर्मेशन हो सकती है, जैसे कि मौसम की सूरत हाल हो सकती है, ठीक है, वो हमें बता सकते हैं। उसके अलावा हवा का प्रेशर, सूरज की रेज, कुछ भी जो हमारे पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड चल रही है चीज़ें, हमारी पूरी सैटेलाइट खला में बल्कि जो चीज़ें चल रही हैं उनके, उनसे रिलेटेड जो भी बातें हैं ये हमें प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, दिस सैटेलाइट्स आर कॉमनली कॉल्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। इन्हें हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी कहते हैं। इन्हीं सैटेलाइट्स की वजह से हमारे जो सेलफोन हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि इन वायरलेस की जो रेज हैं, इन वायरलेस में जो हमारे पास टेक्निक्स उन्होंने यूज़ की हुई हैं उसके ज़रिए हम अपने फ़ोन्स को वायरलेसली एक दूसरे से कनेक्टेड कर देते हैं सिग्नल्स के ज़रिए। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आर आइडली प्लेस्ड टू प्रोवाइड अ कम्युनिकेशन लिंक बिटवीन डिफरेंट प्लेसेस अक्रॉस द ग्लोब। मीन के आप कम्युनिकेट कर सकते हैं डिफरेंट प्लेसेस पे ऑल ओवर द वर्ल्ड, जहाँ चाहे। हमारी दुनिया इतनी सिमट गई है इस कम्युनिकेशन, इस सैटेलाइट सिस्टम के तहत, कि आप दुनिया में मौजूद कहीं भी कोई लोग मौजूद हैं आप उनसे बात कर सकते हैं, उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। दिस सैटेलाइट्स एनेबल अस टू कम्युनिकेट ओवर लार्ज डिस्टेंस। सैटेलाइट कम्युनिकेशन कैन बी यूज फॉर मेनी एप्लीकेशन सच एज इंटरनेशनल टेलीफोन सेल कॉल्स, प्रोवाइडिंग कम्युनिकेशन टू रिमोट एरिया ऑफ द अर्थ, प्रोवाइडिंग सैटेलाइट कम्युनिकेशन टू शिप, एयरक्राफ्ट एंड मोबाइल व्हीकल्स। वही बात मैं आपको बता के हटी हूँ कि ऑल ओवर द वर्ल्ड इस डिस्टेंस को इतना शॉर्ट कर दिया है कि आप जब चाहें, जिससे चाहें बात कर सकते हैं। इसके अलावा आप टेलीफोन पे एक दूसरे से कनेक्टेड हो सकते हैं, रिमोटली एरिया को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि गूगल मैप वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं। प्रोवाइडिंग सेटेलाइट कम्युनिकेशन टू शिप,
जितने भी एयरक्राफ्ट हैं या शिप हैं इन सबको डायरेक्शन जो है वो सैटेलाइट के थ्रू ही दी जाती है, एक दूसरे से लिंक में होते हैं ये, और ये जो इनके मेन बेस पॉइंट्स होते हैं, बेस स्टेशन होते हैं, वहाँ से ये कनेक्टेड होते हैं, इनको पता होता है कि ये किस डायरेक्शन में कौन सा प्लेन जाएगा और कौन सी शिप किस डायरेक्शन में होगी। तो इस तरह एक पूरा ग्लोबल सिस्टम जो है ना वो सैटेलाइट ने कवर किया होता है, जैसे कि ये दिखाया जा रहा है। ठीक हो गया, ये था आपके आज का टॉपिक, ये आपको अभी मैंने दो पढ़ाए हैं आज के लिए, आपके ये दो टॉपिक्स हैं, अगले दो टॉपिक हम कल करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।